नमस्कार दोस्तों, ट्रिक्स अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको आईफेस ऐप के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों यह एप्लीकेशन क्या है और इस एप्लीकेशन को आप कैसे यूज कर सकते हैं, इस वीडियो में यह सारी जानकारी बताने वाला हूं। दोस्तों यह एक फोटो एडिटिंग ऐप है, इसमें आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलते हैं फोटो एडिटिंग करने के लिए। तो चलिए जानते हैं कि शानदार की ऐप को कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से यह एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना होगा। चलिए इस ऐप को ओपन कर लेते हैं। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले परमिशन को अलाउ करना है। देन आपके सामने आईफेस ऐप का होम पेज ओपन हो जाएगा। देन आपके सामने यहाँ पे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। पहला टेम्पलेट है स्मूथ फोटो, उसके बाद 3D कार्टून, यहाँ पे आपको ऑयल इफेक्ट और स्केच जैसे टेम्पलेट्स नज़र आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्रो का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करके आप प्रो लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगर आप प्रो परचेस करते हो तो आपको बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे और इस एप्लीकेशन का वाटरमार्क हटाने का ऑप्शन भी दिया जाएगा और आपको एडिटिंग करते समय कोई भी ऐड नहीं आएगा। अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। जिस भी इफेक्ट के अंदर आपको फोटो एडिटिंग करना है सीधे उस इफेक्ट पर आपको क्लिक करना है इस तरह से। देन आपके सामने आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। जो भी आपको फ़ोटो एडिट करना है उस फोटो को सेलेक्ट करना है। चलिए मैं एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्रॉप करना है, इस तरह से क्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे राइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे हमारा फ़ोटो एडिटिंग हो रहा है। जैसे ही आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा आपके सामने आपका एडिट किया हुआ फ़ोटो आ जाएगा। यहाँ पे हमारा फ़ोटो एडिट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको नीचे बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए गए हैं, इस तरह से आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही मैंने उस इफेक्ट पर क्लिक किया वह इफेक्ट यहाँ पे लग चुका है। अगर आपको फ़ोटो सेव करना है तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिया गया है ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करके आप फ़ोटो सेव कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा फ़ोटो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अगर आपको कोई दूसरा टेम्पलेट यूज़ करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आप चाहे तो इसके ऊपर भी क्लिक करके और फ़ोटो ऐड करके आप अपना फ़ोटो एडिट कर सकते हैं। पहले मैंने जैसा बताया है बिल्कुल वैसा ही करना है आपको और आप अपना फ़ोटो एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करके क्लियर कैच, टर्म्स एंड सर्विस, प्राइवेसी पॉलिसी, फीडबैक और इस ऐप का वर्जन भी दिया गया है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आईफेस ऐप को कैसे यूज किया जाता है और इसके द्वारा आप फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।